मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के पूर्व मंत्रियों पर लटक रही है बंगलों से बेदखली की तलवार, यानी कि मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है बंगला पॉलिटिक्स। नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश राजपूत है। एबीपी अनकट में बात करेंगे मध्य प्रदेश में चल रही बंगला पॉलिटिक्स की। कमलनाथ सरकार के पूर्व मंत्रियों को शिवराज सरकार ने आते से ही नोटिस दे दिए हैं बंगले खाली करने के। अब इस सबसे जो मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री थे वो सब बेचैन हैं, घबराए हुए हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से शिवराज सरकार पुराने मंत्रियों से बंगले खाली करवा रही है, वो भी इस कोरोना काल में, ये बहुत अफसोस की बात है। क्योंकि कोरोना काल में जब लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, एक शहर से दूसरे शहरों में नहीं आ पा रहे, उस वक्त नई जगह बंगले तलाशना, घर तलाशना बहुत मुश्किल काम है। इन पूर्व मंत्रियों ने आरोप लगाया कि ये सब शिवराज सिंह चौहान बदले की भावना के तहत कर रहे हैं, जो नहीं किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के पूर्व मंत्री जैसे कि पीसी शर्मा, तरुण भनोट, सचिन यादव, सुरेंद्र सिंह बघेल, इन लोगों समेत तकरीबन 20 पूर्व मंत्रियों पर कहा गया है कि वो 20 मई तक अपने बंगले खाली कर दें, वरना इनका सामान सड़क पर फेंक के इनके घरों के बाहर सरकार ताले डाल देगी। अब इस सबसे ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में एक बंगला पॉलिटिक्स की हो गई है, क्योंकि जब कमलनाथ सरकार के मंत्री आए तब इन बंगलों में लाखों करोड़ों रुपए के काम करवाए गए थे। अब उधर सरकार का कहना है कि यह सब एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि नई सरकार बनी है, पुरानी सरकार के मंत्रियों को बंगले खाली करने पड़ेंगे, तब जाकर नए मंत्रियों को इन बंगलों में मौका मिलेगा, और जो कुछ हो रहा है एक सामान्य प्रक्रिया के तहत है। और सरकार यही नहीं रुकी, सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के जो पूर्व वित्त मंत्री थे तरुण भनोट, उनके घर पर जाकर नोटिस चिपकाया, उनका सामान सील करके बाहर बंगला सील कर दिया गया है। अब इससे लगता है कि मध्य प्रदेश में एक नए तरीके की पॉलिटिक्स शुरू होगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, और देखना है कि बंगला पॉलिटिक्स जाके खत्म कहाँ होती है, क्या इस बंगला पॉलिटिक्स को मध्य प्रदेश के आने वाले उपचुनाव में भी क्या भुनाया जाएगा, क्योंकि फिलहाल तो ये सारे पुराने सरकार के मंत्री बंगला खाली करने को तैयार नहीं है। इस पूरे प्रकरण में सबसे मजे की बात यह है कि बीजेपी में शामिल हुए उन पूर्व मंत्रियों को नोटिस नहीं दिए गए हैं जो कमलनाथ सरकार में मंत्री थे। समझा ये जा रहा है कि ये जल्दी मंत्री बनेंगे, इसलिए इनसे बंगले खाली करवाने का कोई औचित्य नहीं है। मगर यदि बंगले खाली कराए जा रहे थे तो फिर भला इनको क्यों छोड़ा जा रहा है, इस पर पूरा सरकारी तंत्र फिलहाल चुप्पी साध के बैठा हुआ है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।